Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to see new chapter, that is biodiversity. In that we are going to start with species area relationship. ठीक है, तो species area relationship, इसके अंदर तुम लोगों को मैंने इससे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स विच आर एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ. ये पूरे धरती के ऊपर जितने भी डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. एंड ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है, और हर एक कम्युनिटी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द इको सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. इको सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हर एक कम्युनिटी क्या करती है, अपना महत्व रखती है. ठीक है, अब ये जो कम्युनिटी है इसके अंदर अलग अलग स्पेशीज़ कौन कौन से हैं, है ना. अब देखो, जनरल बात है कि एक 100 एकड़ का जंगल है ना, और एक 1000 एकड़ का जंगल है. तो ऑब्वियसली 1000 एकड़ का जंगल बड़ा है, तो वहाँ पे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, और 100 एकड़ के जंगल में वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे, है ना. यानी स्पेशीज़ यहाँ पे कम होंगे और बड़े वाले में ज़्यादा. यानी हम क्या बोल सकते हैं, जनरल कंसेप्ट हम ले सकते हैं कि एरिया, एज द एरिया इंक्रीजेस नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेस. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जनरल कंसेप्ट में नंबर ऑफ स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, ये जो सिंबल लगाया मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, इसका अर्थ होता है कि अगर नंबर ऑफ स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का अर्थ होगा कि अगर एरिया ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी वो एरिया के अंदर ज़्यादा रहेगी. क्लियर, जनरल कंसेप्ट है. जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वो नंबर ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज होगी, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एरिया कम होने के बाद भी उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज कम होती है. ये नंबर ऑफ स्पीशीज डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, एक 100 एकड़ का डेजर्ट एरिया है. अब 100 एकड़ के डेजर्ट एरिया और 50 एकड़ का एक ग्रासलैंड है ना, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी तो डिपेंड करता है ना कि लाइफ को सूटेबल है कि नहीं है. तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर है, डिफरेंट रिसोर्सेज है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन डिसाइडिंग द स्पीशीज नंबर. ठीक है ना, ऐसा नहीं. तो जो हम कंसेप्ट लेते हैं जनरल, ये जनरल कंसेप्ट हमेशा करेक्ट नहीं होता है. ठीक है, अब इसको, जो स्पीशीज एरिया को रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए, एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक ग्राफ प्रेजेंट किया है, और वो ग्राफ के अंदर उसने कुछ बातें हमको बताई है. सबसे पहले वी हैव टू कंसिडर दैट एस इज स्पीशीज रिचनेस. स्पीशीज की रिचनेस यानी कितनी ज़्यादा मात्रा, रिचनेस का अर्थ होता है कितनी ज़्यादा मात्रा में वो स्पीशीज प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये एस इंडिकेट करेगा स्पीशीज रिचनेस को, ए एरिया को इंडिकेट करेगा, सी रिसेप्ट इंटर, सी रिप्रेजेंट द वाई इंटरसेप्ट, एंड जेड रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, ये ग्राफ के अंदर, तो वी कैन से दैट लॉग एस, लॉग ऑफ एस यानी स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी यानी वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड लॉग ए. ये फॉर्मूले के द्वारा हम स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं. ठीक है, बात ख्याल में, ठीक है ना. अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसका ग्राफ निकाल लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये ऐसे ग्राफ निकलता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन आती है. ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पर अगर हम निकालते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगी दूसरे केसेस में, है ना. कभी कभी ये क्या होती है, ये एक हाइपरबोला के फॉर्म में भी ऑब्टेन होता है. ठीक है, इन दिस केस एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, सी ए टू द पावर जेड है, यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे जेड है. ठीक है ना, ये
स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू सी ए, यानी वाई इंटरसेप्ट इन टू एरिया टू द पावर जेड। ये अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, एक हाइपरबोला मिलता है। ठीक है, तो ये ग्राफ के द्वारा हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको स्पीशीज को और एरिया के रिलेशनशिप को। जनरली ये एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, ये ऐसा कंसिडर करके चलो। और इसके अंदर क्या बोलता है कि फॉर स्मॉल एरिया, जो छोटे एरिया होते हैं उनके लिए ये जो जेड होगा यानी स्लोप होगी लाइन का, जो स्लोप होगा ये स्लोप होगा जनरली 0.1 to 0.2। ठीक है, 0.1 से 0.2 बहुत कम जो है ये होता है स्मॉल एरिया के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमको क्या बताने के लिए, स्पीशीज एरिया क्या रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद में वी हैव टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, वेराइटी, छोटे एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वेरियस काइंड के एनिमल होना आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये जो वेराइटी है, ये वेराइटी होना आवश्यक क्यों है, देखो बहुत सारे फैक्टर है। जितनी ज़्यादा वेराइटी रहेगी उतना ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, फूड चेन में हेल्प करेंगे, डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो अब स्पीशीज के अंदर स्पीशीज जो है, ये स्पीशीज मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है ना। बहुत सारी स्पीशीज मिलके क्या बनेगी, कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी के अंदर फॉर एग्जांपल 50 स्पीशीज है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, अलग अलग प्रकार की क्या है उसके अंदर, जो है पैरट्स भी है उसके अंदर, क्रोज भी है उसके अंदर, जो है वो स्पैरोज भी है, ईगल्स भी है, वल्चर्स भी है उसके अंदर, मंकीज है उसके अंदर, रैबिट्स है, ये अलग अलग प्रकार के हैं हमारे पास में उसके अंदर, स्नेक्स है, फ्रॉग्स है। तो ये सारे एनिमल्स क्या करेंगे, फूड चेन में एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड रहेंगे, और जितनी ज़्यादा वेराइटी रहेगी उतनी ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प करेंगे, है ना। यानी यहाँ पे एक बात को ख्याल में रखना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर भी रहा है, ख़त्म भी हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग ने खा लिया, तो ग्रास हॉपर ने को खाने के बाद में, यानी ग्रास हॉपर तो मर गया ना, ग्रास हॉपर ख़त्म हो गया, लेकिन उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, किसके लिए वो प्ले रोल प्ले किया, उसने फ्रॉग को जीवित रखने के लिए, है ना। यानी खुद मर जा रहा है लेकिन फूड चेन को मेंटेन कर रहा है। हमको अगर इकोलॉजी पढ़ना है तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यानी अगर कोई मर भी रहा है तो एक के मरने में दूसरे का प्रॉफिट है, दूसरे का फायदा है। ठीक है ना, तो यही बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज रहेगी उतना ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प करेगी। और ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी शुड बी स्टेबल। ये कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होना आवश्यक है। ठीक है ना, अब स्टेबल कैसे होना आवश्यक है, देखो एक कम्युनिटी के ऊपर हो सकता है कोई इन्वेजिव स्पीशीज आए, इन्वेजन करे, अटैक करे, तो वो अटैक को काउंटर अटैक करके इन्होंने जीवित रहना चाहिए। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ड्रास्टिक सिचुएशन आ जाए, जैसे वाटर स्कार्सिटी आ जाए या एक्सट्रीम टेम्परेचर आ जाए, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर बोलो या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर बोलो, एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाए, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी स्पेशीज शुड विथस्टैंड, विथस्टैंड का अर्थ होता है उन्होंने उसको बर्दाश्त करना चाहिए, बियर करना चाहिए और जीवित। अगर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को बियर नहीं कर सकते तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, यही हमारा जो है डार्विन के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो थ्योरी हम यहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर तुमको इन्वायरमेंटल फैक्टर को, चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तुम, तो तुम ख़त्म हो जाओगे। ठीक है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी है, ठीक है, ये पॉल अर्लिक नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है बाय एन हाइपोथेसिस, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस है। ठीक है ना, कि कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये देखो, है ना। अब उसने एक एग्जांपल लिया एरोप्लेन की, एरोप्लेन, उसने एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम से, ठीक है, और राइवेट्स को उसने कंपेयर किया स्पीशीज से। ठीक है ना, किससे कंपेयर किया,
स्पेशीज से, ठीक है ना। अब ये राइवेट्स क्या है? राइवेट्स सिंपल, दीज आर दी नट्स, ऐसे समझ लो नट्स है ये, नट बोल्ट। ये नट बोल्ट जिसकी वजह से एरोप्लेन के पार्ट एक जगह जुड़े हुए रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर सारे पार्ट अपने अपनी पोजीशन पे है तो पूरे यानी पार्ट को उन्होंने क्या करके रखा है, होल्ड कर रखा है। जैसे एरोप्लेन के विंग्स है तो विंग्स को होल्ड करके रखा हुआ है, टेल है तो टेल को होल्ड करके रखा हुआ है, व्हील्स है तो व्हील्स को होल्ड करके रखा हुआ है ना। अलग अलग राइवेट्स ने अलग अलग पार्ट को होल्ड करके रखा है, यानी हर एक राइवेट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एरोप्लेन को मेंटेन करने के लिए। अब अगर कुछ राइवेट्स निकल जाते हैं है ना, कुछ नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, तो एरोप्लेन को नुकसान होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ऐसे ही अगर कोई स्पेशीज इकोसिस्टम से निकल जाती है, सिमिलरली वो इकोसिस्टम को लॉस होगा। बात ख्याल में आई? अब ये भी डिपेंड करता है कि कौनती जगह का नट निकला है ना। तुम अगर बोलोगे कि विंग्स, एरोप्लेन के विंग्स है, इसी के नट निकल गए, अब एरोप्लेन के विंग्स के नट निकल गए तो एरोप्लेन उड़ सकेगा क्या? नहीं उड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह का नट निकल गया, इसलिए एरोप्लेन को नुकसान होगा, हार्म होगा। वैसे ही इकोसिस्टम के अंदर कौन से ट्रॉपिक लेवल की स्पेशीज निकली, कौन सी स्पेशीज माइनस हुई, ये भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, ग्रास है ना, उसके बाद ग्रास हॉपर है, उसके बाद फ्रॉग है, उसके बाद स्नेक है। तो ग्रास, ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर भी है, और फ्रॉग वहाँ से निकल गया, फ्रॉग गायब हो गया वहाँ से पूरा। तो फ्रॉग गायब हुआ तो स्नेक रह पाएगा क्या? स्नेक नहीं रह पाएगा, उसको खाने की चीज़ वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, उसका नुकसान इसको होगा, ग्रास को भी होगा। क्यों? ग्रास हॉपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्रास हॉपर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ग्रास को फीडिंग ज़्यादा होगी। बात ख्याल में आ रही ना। तो ऐसे ही हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में क्या है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस है। क्लियर? अब करंट सिनेरियो अगर हम डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम का, हमारी अर्थ को एक तुम एज अ होल इकोसिस्टम समझो, हमारा जो एक बड़ा, हमारी जो अर्थ है ये क्या है, एक बड़ा सा इकोसिस्टम ही है। ये बड़े इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज है ना। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज टिल नाउ एक्सिस्ट करती है धरती के ऊपर। ये जो है डाटा, इट वॉज गिवन बाय IUCN और ये है 2004 का डाटा, ठीक है। अब नई नई जो है तो डेली नई न्यू स्पीशीज जो है क्या हो रही है, डिस्कवर हो रही है, क्या कहते हैं इसको, ओशंस के अंदर, जंगल के अंदर है ना। साइंटिस्ट जो है वो जैसे जैसे पहुंच रहे हैं पोलर रीजन्स में, अलग अलग जो स्पीशीज है वो क्या हो रही है, डिस्कवर होती जा रही है, और ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा माना जाता है कि हम अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, वी हैव टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर, वी डोंट नो हाफ ऑफ द एनिमल्स, ऐसा मानते हैं हम ना। कुछ कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि 7 to 8 million स्पीशीज शुड एग्जिस्ट, 7 to 8 million स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट होने। अब ये जो हम कंसिडर करेंगे 1.5 मिलियन ही अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर सब आ गए। अब ये जो स्पीशीज है इनको हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया था 5 किंगडम के अंदर, याद करो, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इनको क्लासीफाई किया हुआ है, और इनके अंदर लैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंक्लूडेड है ना। तो ये बात याद रखना। और ये पांचों ऑर्गेन जो हमारे किंगडम है, पांचों किंगडम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम को, धरती के पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक इसके, बायोडाइवर्सिटी का और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। इसके आगे का लेक्चर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।